टॉपिक का नाम रोलिंग। ठीक, बस आज के जो बचे हुए लेक्चर में बस एक ट्रिक है, अगर वो समझ में आ गया फिर तो रोटेशनल सेट बैठ गया, अगर वो नहीं आया और आपने उसको सर्कुलर के साथ कंबाइन कर दिया या कंफ्यूज कर दिया फिर हो जाएगी गड़बड़। तो बहुत ही आराम से आराम से पढ़ाऊंगा, और प्लीज अगर डाउट है तो साथ के साथ रोक के पूछ लेना। हालांकि मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर नहीं कर सकते, बस इसमें है ये सिर्फ 2 मिनट का, अगर क्लिक कर गया तो कर गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम रोलिंग करने जा रहे हैं, रोलिंग, रोटेशनल, रिवॉल्विंग, बहुत सारे वर्ड एक जैसे सुनने में लगते हैं। रोटेशन का मतलब गोल घूमना, ठीक है, गोल घूमना। रिवॉल्व करने का मतलब ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो भी गोल घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने रोलिंग वर्ड नहीं कभी सुना अभी तक, हमने सर्कुलर मोशन किया, हमने रोटेशन भी सुना कि बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, सब कुछ ठीक है, पर रोल नहीं कर रही। आज हम रोल करवाएंगे। रोलिंग का मतलब है, या रोलिंग से पहले 2 तरीके की मोशंस ध्यान से ऑब्जर्व करना। सपोज करो आपको एक टायर दिया जा रहा है, अब टायर कार का टायर है, टायर को आपने फ्लोर पे रखा और आपने उसको टेंजेंशियल फोर्स देके छोड़ दिया। अब टायर क्या कर रहा है, गोल गोल घूमता 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 आगे जाएगा, यही रूल है। अगर इमेजिन करो आपके पास एक टायर है, उसको आप एक्सिस के ऊपर खड़े खड़े घुमा रहे हो, वो आगे नहीं जा पा रहा, आपने किसी रॉड में उसको फिक्स कर दिया, या कार को हवा में उठाया हुआ है और टायर को घुमा रहे हो, या मान लो ये पंखा है, एक फैन है, चल नहीं रहा, और अगर मैंने इसको चला दिया तो आप एक चीज नोट करो, खड़े खड़े घूम रहे, घूमते घूमते आगे तो नहीं जा रहा, नहीं आगे नहीं जा रहा। डिस्क जब मैं फेंकता हूं हवा में तो वो घूमती भी है और आगे भी जाती है। देखो दो चीजें हैं, आप इमेजिन कर रहे हो, जब हम बोलते हैं आगे जा रही है इसका मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन, जब हम बोल रहे हैं घूम रही है इसका मतलब रोटेशनल मोशन। टायर अगर खड़ा खड़ा घूम रहा है, चल नहीं रहा, बस एक्सिस भी घूमता जा रहा है, यह है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब होता है बस अपने एक्सिस पर घूमते ही जाना, हर पार्टिकल घूम रहा है और एक्सिस क्या है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर अपनी जगह से हिल नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, और बाकी सारे पार्टिकल इस सेंटर को एक्सिस मानते हुए इस एक्सिस के आसपास रोटेट कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये क्या चीज हुई, प्योर रोटेशन। कोई डाउट इसमें, प्योर रोटेशन क्लियर हो गया, खड़े खड़े रोटेट करना है प्योर रोटेशन। अब इमेजिन करो ये फिर से एक टायर है, इस बार ये घूम नहीं रहा, इस बार ये सिर्फ स्लाइड कर रहा है, घिसटता हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी घूम नहीं रहा। जैसे सपोज ये एक टायर है, ये टायर है गोल, और सपोज ये ऐसे चलता जा रहा है, देखो इसमें क्या था, ये खड़ा खड़ा घूम रहा था, इसके अंदर ये सिर्फ स्लाइड करता हुआ। तो आप एक चीज नोट करो, इसका सेंटर ऑफ मास क्या मोशन में है, बिल्कुल है, देखो ना, अगर ये टायर इधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी इधर जा रहा है, ये वाला अगर मान लो सेंटर ऑफ मास 10 वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो ये वाला इसका टॉप मोस्ट पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10, ये भी 10, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, बिल्कुल भी रोटेशन नहीं, सिर्फ आगे की तरफ मूव करना। कोई डाउट इसमें, 2 मोशंस क्लियर है। अगर अपनी पोजीशंस चेंज करती हुई बॉडी सिर्फ स्लाइड करती हुई या सिर्फ लीनियरली मूव करती हुई आगे जा रही है, प्योर ट्रांसलेशन, खड़ी खड़ी घूम रही है, प्योर रोटेशन। अब इमेजिन करो टायर आगे भी जा रहा है और टायर के पार्टिकल्स घूम भी रहे हैं, इसका मतलब रोलिंग। अब दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, टायर आगे भी जाएगा, जब आप कार में कार के टायर को देखते हैं और कार चल रही है, आप उसके सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करना, कभी भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है
इमेजिन करो जैसे ये एक टायर है, ये एक टायर है, ये टायर का ये सेंटर ऑफ मास है। जब टायर रोटेट करेगा या आगे रोल करेगा, आई एम सॉरी, रोल करेगा, तो ये टायर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो सेंटर ऑफ मास आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल आएगा, और बाकी पार्टिकल इसके आसपास रोटेट करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, बिल्कुल वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं बोलूंगा इस चैप्टर में कि रोलिंग हो रही है, इसका मतलब कि कोई भी बॉडी अपनी जगह पर खड़े खड़े नहीं घूमेगी, वो घूमेगी भी, उसके पार्टिकल घूमेंगे भी, और उसके पार्टिकल लीनियर मोशन में आगे भी जाएंगे। कोई डाउट इसमें? तो ये ठीक लिखा मैंने, रोलिंग किसकी बनी हुई है? दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रांसलेशन, दूसरा प्योर रोटेशन। जब मैं बोलूंगा ट्रांसलेशन, फिर तो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो आप वो अप्रैल में जून में करके आए थे, वी यू प्लस ए टी, ट्रांसलेशन है ना, तो सारी प्रॉब्लम ट्रांसलेशन की काइनेमेटिक्स सॉल्व कर देगा। जब मैं बोलूंगा प्योर रोटेशन, तो सर्कुलर के कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटीज, सर्कुलर, क्योंकि खड़े खड़े बॉडी, क्योंकि एक्सिस के अबाउट जब कोई पार्टिकल घूमता है तो सर्कुलर मोशन काम आता है, हमने किया हुआ है, तो सर्कुलर मोशन है, तो वो प्योर रोटेशन को सॉल्व करेगा। पर मेरे को तो रोलिंग सॉल्व करनी है, तो यानी कि रोलिंग की जो प्रॉब्लम है वो दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है, काइनेमेटिक्स अलग लगेगा, वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ठीक। हम रोलिंग की प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, हम मानेंगे कि रोलिंग में दो चीजें हो रही हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो ट्रांसलेशन में काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, रोटेशन में सर्कुलर के कॉन्सेप्ट मिला के रोलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों ये थोड़ी सी लोगों को मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ती है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि काइनेमेटिक्स भी लग रहा है, इसमें फोर्सेस भी लगेंगी और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, तो जाके ये रोलिंग ठीक होगी। और रोलिंग मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको आज समझाऊंगा मैं। तो लॉजिक समझ में आ रहा है रोलिंग क्या होती है, और रोलिंग की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी, रोलिंग के चार फॉर्मूले किए, पुट किया, आंसर आ गया। रोलिंग को इमेजिन करना है, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, वो कैसे कर रहे हैं, मैं अगली शीट है उसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ मैथमेटिकल समझाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व को डिवाइड कैसे करना है दो हिस्से में, और तो सॉल्व कैसे करना है, वो अलग बात है। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इमेजिन करना है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि जब मैं बोलूंगा रोलिंग मोशन है, तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स घूम भी रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और साथ में आगे भी जाते जा रहे हैं। बस ये पॉइंट इमेजिन हो पा रहा है आपसे? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट? अब इसके अंदर जो दो पॉइंट्स आपने ध्यान से जो ऑब्जर्व करने हैं, ये कोई ये ना सोचना कि कोई चैप्टर की थ्योरी है, मेरे से कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ये मैंने अपने मन से शीट लिखी हुई है, कोई चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे बोल सकते हो चैप्टर बना इससे हुए। तो मतलब ये बेसिक वो छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ते हुए कभी भी समझ में नहीं आती, बहुत कम लोगों को समझ में आती है, आपको विजुअलाइजेशन सही करनी है, बस कैसे सोचना है, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा ना, फिर आपको एकदम क्लियर जैसे आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, ओमेगा सेम लेना है, अल्फा सेम लेना है, तो जब मैंने टॉपिक में लगाया आपको इजी लगा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे ही इंट्रोडक्शन है। तो जब ये इंट्रो आएगी रोलिंग की, और जब रोलिंग स्टार्ट होगी, आप मेरे से कुछ नहीं पूछोगे, आपको एकदम चीज क्लियर दिखेगी, बस छोटी छोटी चीजों को अपने ध्यान से देखना है। तो अब इमेजिन करते हैं, एक नोट मैंने लिखा हुआ है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सपोज करो आपके पास एक डिस्क है या कोई भी टायर है, ठीक, ये टायर है और ये रोल करता हुआ आगे जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए ना आपको इस चैप्टर में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि रोटेशन लिखा हुआ है, प्योर रोटेशन लिखा है या रोलिंग लिखा है। रोलिंग लिखा है फिर तो समझो टायर एक जगह पे घूमेगा नहीं, वो तो आगे जाएगा, लेकिन अगर प्योर रोटेशन लिखा है फिर समझो खड़ा खड़ा घूमेगा, ट्रांसलेशन मोशन क्या हो जाएगी उसमें, जीरो। और अगर बिल्कुल नहीं घूमेगा आगे जा रहा है, फिर नॉर्मल क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, ट्रांसलेशन मोशन का है, बस तीन ही कैटेगरीज है, ठीक है यहां तक? तो इमेजिन करो एक टायर एक रोटेशन पूरा कर गया। जब मैं बोलता हूं एक रोटेशन पूरा कर गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर कोई ए पार्टिकल इसके बॉटम पे था टायर के, ये घूमा
पूरा चक्कर काटा और वापस घूम के जमीन पे आ गया, ये नीचे था वापस आ गया। अब क्योंकि मैं एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं, रोलिंग का ले रहा हूं, और जब मैं रोलिंग की बात करूंगा तो सेंटर ऑफ मास आपको आगे जाता हुआ जरूर दिखेगा। तो सेंटर ऑफ मास किस मोशन में है, रोटेशन में कि ट्रांसलेशन में? ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ मास से घूमेगा। जब एक टायर, मान लो कार आगे जाती हुई टायर घूमता घूमता आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखना, वो एकदम लीनियर मोशन में दिखेगा, सीधा जाता हुआ दिखेगा। हाँ, बाकी टायर के पार्टिकल उसके आसपास घूमते हुए दिखेंगे, पर सेंटर ऑफ मास उसका एक्सिस होगा, उसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है और बाकी पार्टिकल इसके आसपास घूम रहे हैं। तो इमेजिन कर पा रहे हो इसे, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में होगा हमेशा, बाकी पार्टिकल रोटेशनल मोशन में होंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब एक चीज बड़े ध्यान से सोच के बताना, आप एक कार चला रहे हो, कार की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स कर दी किस तरीके से आपने, 60 किलोमीटर पर आर, चेंज नहीं करने, सेम है। तो इमेजिन करो टायर कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा, जब आपने स्पीड ही कांस्टेंट रख दी, फिर ये तेज कैसे हो सकता है? स्पीड ओमेगा तब तेज होगा एक टायर का, ओमेगा तब तेज होगा टायर का जब आप रेस दबाओगे, रेस दबाओगे तो टायर तेज 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 घूमेगा, तो यानी कि ओमेगा रोटेशन आपने ज्यादा कर दिया, फिर आपने अल्फा जनरेट कर दिया सभी पार्टिकल्स का। पर मैं ये क्या क्या कह रहा हूं, ओमेगा कांस्टेंट, टायर एक ही स्पीड से आगे चलता जा रहा है। कोई डाउट इसमें? कितने लोग एग्री करते हैं सेंटर ऑफ मास वी सी एम की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? मतलब कितने लोग एग्री करते हैं कि ये भी कांस्टेंट ही रहेगा उस केस में? ये तब जब सभी पार्टिकल्स का ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। ये तो एग्री करते हो, टायर के अंदर जितने पार्टिकल हैं उसमें अगर ओमेगा होगा तो सभी के लिए ओमेगा सेम होगा, पार्टिकल बाय पार्टिकल डिफरेंट तो नहीं होगा। पूरे टायर का ओमेगा अगर मैं बोल रहा हूं तो हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, वो तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। और मैं ये बोल रहा हूं कि ओमेगा कांस्टेंट है सभी पार्टिकल के लिए, तो घूमने की रोटेशन उसकी सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? यस, सही है। और अगर मैंने रेस को दबा दिया कार की, तो टायर अब तेज 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 घूमेगा, तो पहले स्लो चल रहा था अब तेज 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 घूमेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी अब तेजी से घूम आगे मूव करता जाएगा। जब रेस दबाओगे तो टायर तेज घूमेगा, टायर तेज घूमेगा कार आगे तेज जाएगी, कार तेज जाएगी तो सेंटर ऑफ मास भी तेज जाएगा तो टायर का। इसका मतलब कि अगर मैं ये बोल लूं टायर का ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट नहीं होगी। कितने लोग एग्री करते हैं? ठीक बोल रहा हूं, अगर आप ओमेगा तेज कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तेज हो जाएगी, और अगर आप स्लो करोगे ओमेगा, टायर स्लो घूम रहा है आगे स्लो जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी स्लो जाएगा। अगर आप कार को रोक ही लोगे ओमेगा जीरो, तो सेंटर ऑफ मास भी रुक जाएगा जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां तक इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक, जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है, जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है, तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, ए ऊपर था, ऊपर का ऊपर आ गया, तो याद, और ओमेगा कांस्टेंट है, ये हाईलाइट जरूर कर लेना, ओमेगा का कांस्टेंट इसमें, ठीक, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो उस केस में एक रोटेशन समझते हो, एक रोटेशन एक चक्कर, तो एक चक्कर में टायर आगे आ गया और अगले चक्कर में उतना डिस्टेंस कवर करेगा जो पिछले चक्कर में किया था, क्योंकि ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। तो उस केस में एक चक्कर में सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना होता है, जितना टायर का सर्कमफ्रेंस है, कितना, 2 पाई, ये रूल है। एक चक्कर में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सीधा जाएगा और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 पाई आर। कोई डाउट इसमें? ये याद रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होता है, ये नहीं बता रहा कैसे होता है, ये बता रहा हूं कि ऐसा रूल है फिजिक्स का, कि एक चक्कर में सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर, ये याद करना है आपने। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग फॉरवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वी कैन अप्लाई, अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। काइनेमेटिक्स क्या कहता है कि क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वीटी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेंटर ऑफ मास ने, एस कितने टाइम में, एक रेवोल्यूशन का टाइम इज टी लिखा हुआ है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन,
और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक चक्कर में, 2πr वी सेंटर ऑफ मास। और सर्कुलर मोशन अगर याद हो तो ओमेगा क्या हुआ करता था, 2π into t, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, तो सर्कुलर मोशन से 2π/ओमेगा, 2π से 2π कैंसिल, आंसर क्या आ गया, वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको ये तो आता है, ये तो किया हुआ है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर वाला कि डिफरेंट है? ये क्या आ गया, किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की। सर्कुलर के जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे उसमें सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करता था, याद करो, चाहे पॉइंट मास घूमता हो सर्कल के आसपास, पॉइंट मास घूम रहा है विद टेंजेंशियल वेलोसिटी, याद करो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस पे रहता था, एट रेस्ट, इसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है सर्कुलर से, हालांकि देखने में फॉर्मूला सेम है। अब यहां पर ध्यान से काम करने की जरूरत है, लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था अभी 20 मिनट पहले, यहां पर अगर आपने इसको मिक्स कर दिया सर्कुलर के साथ, आप बोलोगे वो क्या है, वो भी v इक्वल टू r ओमेगा, ये भी v इक्वल टू r ओमेगा, वो वेलोसिटी पार्टिकल्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी, याद करो ये खुद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, हालांकि फॉर्मूला सेम है। डिसएडवांटेज वो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है और ये रोटेशनल का कॉन्सेप्ट है, देखने में एक जैसा है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कभी कभी गलत स्टूडेंट गलत लगा सकता है। फायदा सेम फॉर्मूले का मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, सर्कुलर का है कि रोलिंग का है, क्या हो गया, फॉर्मूला तो सेम ही है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आंसर तो सेम ही आएगा, तो दो आते तो बंदा सोचता भी, पर इन एनी केस फॉर्मूला देखने में सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट एंटायरली डिफरेंट है। वो कॉन्सेप्ट क्या था, फाइंडिंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हेन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, टेंजेंशियली। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब टायर क्या कर रहा है या कोई बॉडी क्या कर रही है, रोल। तो फॉर्मूला याद रहेगा, या तो याद ही है, तो फॉर्मूला इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आज के बाद अगर कोई कोई भी बॉडी रोल करती हुई, रोल और सर्कुलर मोशन में फर्क है, सर्कल में बॉडी एक एक्सिस के बाद घूमती रहती है, रोल में ट्रांसलेशन भी है एज वेल एज रोटेशन भी है। तो जब कोई टायर रोल करता हुआ आगे जाएगा, डिस्क रोल करती हुई आगे जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। हालांकि आप गलती ना करो, मैंने बहुत सारी लाइनें नीचे लिखी हुई हैं, रिमेंबर व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास रोलिंग में क्या होता है, आगे जाता है, और कितनी वेलोसिटी से आगे जाता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो वी है कौन सी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दिस इज नॉट अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ताकि आप और कंफ्यूज ना हो, मैंने ये भी लिखा हुआ है नोट, वी हैव आल्सो स्टडीड सेम फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आल्सो, इन सर्कुलर दिस वेलोसिटी वाज टेंजेंशियल, लिखा हुआ है कंफ्यूज नहीं होना, टेंजेंशियल है। फिर एग्जांपल भी दिया, सर्कुलर मोशन में ऐसे किया करते थे, कोई पॉइंट मास सर्कल में घूम रहे है, मैं बोला करता था कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालो, अब पॉइंट मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती थी, वी, और वी क्या होता था, आर टाइम्स ओमेगा। बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हमने क्या किया, रोलिंग, और अब इस चैप्टर में क्या लगेगा, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, बाकी पार्टिकल इसके आसपास घूमते जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के आसपास, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों एग्जाम्पल साथ साथ लगा के दिखाएंगे। कोई डाउट इसमें? अब सोचो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, तो क्या जनरेट हो जाएगा, अल्फा। सेम फॉर्मूले को लिखें, सेंटर ऑफ मास इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो वेलोसिटी अब सेंटर ऑफ मास की इंक्रीज हो रही है, तो क्या जनरेट हो जाएगी, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता था, एल्फा। तो अब कई फॉर्मूला देखा हुआ है भाई, ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सलेशन का होता था, पर ये फॉर्मूला किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन का फॉर्मूला भी वही टेंजेंशियल एक्सलेशन के साथ मैच करता है, कंफ्यूज नहीं होना, वो टेंजेंशियल एक्सलेशन थी, रूलिंग में सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन है, फॉर्मूला सेम है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सेम नहीं है, देखने में फॉर्मूला सेम का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सेम है, वो अच्छी बात है, चलो फॉर्मूला सेम ही आ गया। That is, center of mass will
not move with constant velocity, it will accelerate forward with acceleration of center of mass. Clear है? इस concept को हमने use अब आगे करना है, लेकिन फिर वही problem rotational की. ये ना क्या problem है, जैसे अभी start ही हुआ था chapter torque को लेके, चलो आपने कहा चलो शुक्र है अब शुरू हुआ, वो शुरू उतना ही हुआ अब फिर रुक गया, क्योंकि अब problem है हमने energy conservation भी साथ लगानी है, हमने इंक्लाइन प्लेन की बॉडीज की एक्सलेशन निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकालेंगे. अब उसको करने के लिए आपको एक और, क्योंकि लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे, एक छोटा रास्ता